आज हम बनाने जा रहे हैं बोटी का सालन। बोटी का सालन हैदराबाद में बहुत मशहूर है और इसे बहुत खाना पसंद करते हैं लोग। तो आज हम यही देखेंगे कि बोटी का सालन, इसे उजड़ी का सालन भी बोलते हैं, कोई कोई लोग उजड़ी बोलते हैं और कोई कोई बोटी का सालन। तो शुरू करते हैं बोटी का सालन। बोटी धोने के लिए हमको विनेगर चाहिए। विनेगर से हम जब धोते हैं तो बोटी की जो भी स्मेल है वो भी दूर हो जाती है और उसमें जो भी बैक्टीरियल जो भी रहता है वो पूरा चीज़ अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसके लिए हम लेंगे विनेगर, जितनी आपकी बोटी है उसके हिसाब से लीजिए। ये 1.5 kg के बराबर है। इसमें मैं करीबन 1 कप से ज़्यादा ले रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच नमक। नमक और बोटी से जितना बोटी का जो भी वेस्टेज है वो पूरा पानी के साथ निकल जाता है और वो बहुत नीट और बिल्कुल क्लीन अच्छे से मिक्स करके इसको धो लेंगे। इसे 5 से 6 बार धो लेना है। और यहाँ पर मैं गर्म पानी से नहीं यूज़ कर रही हूँ और इसकी अंदर की स्किन भी नहीं निकाल रही हूँ। इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज डाल के इसको अच्छे से धो लीजिए। फिर यहाँ पर हम लेंगे ऑयल। ऑयल आप 100 ग्राम्स ले सकते हैं। आप ज़्यादा तेल खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा तेल डालिए। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं गरम मसाला, दालचीनी, गुलाब की पत्ती, पत्थर का फूल और उसके लीव्स, बेली लीव्स। इसको अच्छे से थोड़ा सा सोटा कर लेंगे हम हल्का सा। इसमें ऐड करेंगे हम प्याज और बोटी को अच्छे से धोली में, और धोकर इसमें डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, धनिया ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर। ये 1.5 kg के बराबर है, इसके हिसाब से मैं यहाँ पर ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची नमक यूज़ कर सकते और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अगर आप एक 5-10 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रख दिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो भी हम खड़े मसाले डाले थे उसमें डाल के हम इसको यहाँ पर अभी प्याज वे सब डाल देंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है और अच्छा रहता है और ये इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी रहती है, हेल्दी बनाती है। इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम। और यहाँ पर हम विजिल देंगे, 5 to 8 या 10 विजिल्स लगाएंगे ताकि हमारी बोटी अच्छे से गल जाए। अभी देखते हैं। देखिए ये तो अच्छे से गल चुकी है। यहाँ पर हम देख लेंगे थोड़ा सा पानी छूटा हुआ है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्च, थोड़ा सा और डालकर तब पर इसको थोड़ा सा रख देंगे 5 to 10 minutes ताकि हमारा जो भी मसाले हैं पानी है अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से हो जाए। देखिए कितने अच्छे से स्मेल आ रही है और अच्छे से बन चुकी है। अब हम लास्ट में डालेंगे गरम मसाला पाउडर। जब हम विनेगर से धोते हैं तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, बिल्कुल अच्छे से हो जाती है। और यहाँ पर मैं गर्म पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ। सब लोग गर्म पानी यूज़ करके उसकी ऊपर की स्किन निकाल देते हैं। यहाँ पर मैं गर्म पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ, ठंडे पानी से ही धो रही हूँ, विनेगर से धो रही हूँ। और जो उसकी स्किन निकालते हैं वो मेन फाइबर रहता है, वो फाइबर ही निकल गया तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ यूज़फुल नहीं रहता। इसी वजह से यहाँ पर मैं बोटी का जो फाइबर है वो नहीं निकाल रही हूँ। तो आप इस तरह से बना कर देखिए, ट्राई करके देखिए, चावल के साथ रोटी के साथ ट्राई कीजिए।